ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज टाइम की अहम खबरें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत के उस हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें हिंदू फरीक को ज्ञानवापी मस्जिद के जनूबी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को 17 जनवरी के हुक्म को चैलेंज करने के लिए अपनी दरख्वास्तों में तरमीम करने के लिए 6 फरवरी तक का वक्त दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कायदीन ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की निचली मंजिल में रातों रात लोहे की ग्रिल लगाकर और मूर्तियां रखकर पूजा करवाना इस बात की गमबाजी करता है कि हुकूमत मुद्दई के साथ मिलकर मस्जिद कमेटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील के हक को मुतासिर करना चाहती है। चंपाई सोरन झारखंड के वजीर आला बन गए हैं। गवर्नर CP राधाकृष्णन ने गवर्नर हाउस में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब के बाद JMM के अराकीन असेंबली चार्टर्ड हवाई जहाज से हैदराबाद पहुंच गए हैं। वह हैदराबाद में 2 दिन कयाम करेंगे, पीर को फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे। PMLA कोर्ट ने झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को मुबैना जमीन घोटाला केस में ED के 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। ED ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल तहकीकाती विंग SIA ने 85 करोड़ रुपए के टेरर फंडिंग मामले में वादी कश्मीर और दिल्ली के कई मकामात पर छापे मारे। इस दौरान किसी के गिरफ्तार होने की कोई इत्तला नहीं है। गजा में इसराइली हमले मुसलसल जारी हैं। इस दौरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिसेफ कैथरीन रसल का कहना है कि गजा में बच्चों की सूरत हाल रोज बरोज अबतर होती जा रही है। इनका कहना है कि हम गजा के अवाम को छोड़ नहीं सकते। बरतानिया ने गजा में जंगबंदी के बाद फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का इशारा दिया है, लेकिन बरतानिया के वजीर खारजा ने वाज़े किया है कि इसके लिए हमास को गजा छोड़ना होगा। टीम इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार सेंचुरी स्कोर करके टीम इंडिया को मजबूत पोजीशन में पहुंचा दिया है। खबरों के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए ETVBharat.com लॉग इन करें। शुक्रिया।